न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावी। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। श्री इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता था। एक दिन सोचा कि कब तक दौड़ोगे खबरों के पीछे, खुद खबर बन जाओ, तो राजनीति के अंदर आ गया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 आपने लेकर आए हैं। मंत्री जी, आपने अपने शुरुआती कमेंट्स के अंदर ये कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? और अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहां पे तो हम कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा? यानी कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो ये न्यूज़पेपर्स के को चलाते हैं, उनके एडिटर्स हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में कहा, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ द प्रेस एंड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 दैट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आगे उन्होंने ये कहा है, इट सेड द लॉ ऑन दिस इश्यू शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड शुड अवॉइड ग्रांटिंग वास्ट पावर्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू ईदर इंटरफियर और शट डाउन द प्रेस एट देयर विम्स एंड फैंसीज। अध्यक्ष महोदय, ये बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कम है, रेगुलेशन कैसा किया जा सकता है, इनको भी अपने हाथों में कंट्रोल कैसा लाया जा सकता है, ये इसके इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है उसका इंट्रोडक्शन, मंत्री जी इसका जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहूंगा कि वो एक मर्तबा आप गौर से पढ़े, आप भी सुने। इन द डेफिनेशन सेक्शन द टर्म स्पेसिफाइड अथॉरिटी